तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? द बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 25 ग्राम ऑफ CaCO3 द अमाउंट ऑफ CaO प्रोड्यूस विल बी, यानी अगर 25 ग्राम CaCO3 है और उसका अगर डिकम्पोजिशन होता है तो कितना ग्राम CaO प्रोड्यूस होता है, ये हमको पूछा गया है। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो हम फॉर्मूले लिख लेते हैं, पहले इसका जो केमिकल इक्वेशन है इसको लिख लेते हैं। CaCO3 क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है और इससे हमको क्या मिल रहा है, CaO प्लस CO2 मिल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबका एटॉमिक मास ले लेंगे। कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40, कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, और 16 और 3 कितना हो जाएगा 48, कितना आता है इसकी टोटल आती है 100, ठीक है। उसी तरह से CO कितना आएगा, ये आएगा 40 प्लस 16, कितना आता है 56। तो जब 100 ग्राम CaCO3 लेते हैं, हमने क्या किया, अगर मान लीजिए 100 ग्राम CaCO3 लिया तो वहां पर हमको 56 ग्राम CaO मिल रहा है। तो हमको पूछा है अगर हमने 25 ग्राम CaO लिया है तो कितना ग्राम CaO बनेगा, यह हमको निकालना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो यहां पर हम यूनिटरी मेथड को यूज करेंगे। तो 25 डिवाइडेड 4 कितना आता है 4, तो ये कितना आएगा 46 डिवाइडेड बाय 4, कितना आता है भाई, तो ये आता है 14 ग्राम। तो आंसर कितना आएगा, तो सी ऑप्शन सही आएगा। तो सी ऑप्शन को टिक करो और आगे बढ़ जाओ।